स्पेक्ट्रम की जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसके चलते विमानों को लैंडिंग जो मोड है वो प्रभावित हो सकता है और भी दूसरी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो पहला तो आज ये पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं 5G में जाने की, तो क्या वाकई में 5G को लेकर इस तरह की जो चिंताएं हैं वो वाजिब हैं, वो स्वाभाविक हैं, क्या उनको दूर किया जा सकता है, या इनका अभी तक कोई उपाय खोजा नहीं गया है, ये बहुत समझना हम सबके लिए ज़रूरी होगा। पहले ये रिपोर्ट लिख लीजिए, बेहद ख़ास मेहमानों के साथ चर्चा में लौटेंगे इस खबर के बाद। क्या 5G स्पेक्ट्रम के चलते विमानों की उड़ान रुक सकती है? क्या विमानों की लैंडिंग में 5G घातक साबित हो सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका कोई सटीक जवाब नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका में 5G शुरू होने से एयर इंडिया और अमीरात एयरलाइंस ने वहां जाने वाली अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि US की टेलीकॉम कंपनी AT&T और वेरिजोन 5G सर्विस के लिए जिस सी बैंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रही हैं, वो एविएशन में इस्तेमाल होने वाले अल्टीमीटर के सी बैंड फ्रीक्वेंसी के बेहद करीब है, और इससे विमानों का अल्टीमीटर प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से विमानों की लैंडिंग में दिक्कतें आ सकती हैं। एविएशन कंपनियों ने कहा कि रनवे से 2 मील के दायरे को छोड़कर 5G सेवा बहाल की जा सकती है। फिलहाल ये संकट अगर कम नहीं हुआ तो एविएशन सेक्टर और 5G सर्विस प्रोवाइडर्स दोनों के लिए घातक साबित हो सकता है। चलिए समझते हैं कि आखिर 5G क्या है और इसके क्या क्या फायदे और नुकसान गिनाए जा रहे हैं। 5G की तकनीक 4G तकनीक के मुकाबले नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक है। 5G नेटवर्क के बिछने के बाद बिना ड्राइवर की कार, एडवांस सुरक्षा प्रणाली, वीडियो मॉनिटरिंग और मोबाइल क्लाउड एंड कंप्यूटिंग का काम ज्यादा आसान हो जाएगा। इससे बहुत तेज डेटा ट्रांसफर होगा। इस नई तकनीक की स्पीड 1 सेकंड में 20 GB के करीब होगी, जबकि 4G में ये स्पीड 2 GB प्रति सेकंड तक सीमित है। अब 5G तकनीक के खतरों से जुड़ी आशंका को समझते हैं। 5G के वेव टावर लोगों के घरों के बेहद करीब लग सकते हैं, इसलिए इससे निकलने वाले रेडिएशन से पर्यावरण के साथ इंसान पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को लेकर डर जताया जा रहा है। इससे कैंसर और बांझपन के खतरे के साथ इंसान के DNA के प्रभावित होने की बात तक कही जा रही है। लेकिन दूसरी ओर तर्क ये भी है कि रेडिएशन 2 तरह के होते हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में तरंगों में एक्स-रे और गामा रेज जैसी तीव्रता होती है, ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में तरंगों की तीव्रता कम होती है, इन तरंगों में इतनी ताकत नहीं होती कि शरीर के साथ कोई रिएक्शन कर सकें, और 5G तकनीक में इसी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। ऐसे में 5G को लेकर जितना भ्रम है उसमें उतनी सच्चाई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, और चर्चा किन सवालों के इर्द गिर्द होगी, सबसे पहले उन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के हमारे 3 सवाल। पहला, 5G ने आखिर क्यों बढ़ाई है एविएशन सेक्टर की मुश्किलें, ये पूरा मसला क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्या विमान कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव अब करना पड़ेगा इस मुश्किल से पार पाने के लिए, यह है आज का दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, 5G के बहुत सारे सवाल इस पर उठते रहे हैं, इनमें से कुछ हो सकता है कि वाकई में चिंता वाले हों, और हो सकता है कि कुछ भ्रम हो, मिथ्स हो। तो क्या वाकई में 5G के रेडिएशन से इंसानों को, जानवरों को कोई खतरा है, पर्यावरण को कोई खतरा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे आज की इस चर्चा के दौरान। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं राजेश शारिया साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ISPI यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं जॉनेट टेक्नोलॉजी के अभिनव वर्रे भी। अभिनव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। पहले तो ज़रा आसान भाषा में समझाइए कि ये पूरा मसला, ये जो US में फ़्लाइट्स को कैंसिल करने का सिलसिला अचानक से शुरू हो गया और इसके पीछे बताया गया कि 5G टेक्नोलॉजी, ये मसला है क्या? कैसे 5G विमानों की रफ्तार को रोक रहा है? हाँ जी, तो ये मसला यहाँ से शुरू होता है कि जो एयरपोर्ट्स हैं US में, अभी 80 एयरपोर्ट हैं, 80 एयरपोर्ट्स हैं जिनके
तीन से चार किलोमीटर के रेडियस में ये 5G टावर इंस्टॉल किए गए। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि जब ये 5G टावर एक्टिवेट हो जाएंगे तो इन 5G टावर का जो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं और जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो यंत्र होता है जिससे अगर कोई विजुअल ले लीजिए कि कंडीशंस है जहां पे पायलट देख नहीं पा रहा है लैंडिंग के टाइम, तो उस वो पायलट ये उपकरण यूज करता है जिन्हें जिसे कहते हैं ऑल्टीमीटर। तो इस ऑल्टीमीटर के जरिए पायलट को पता चल जाता है कि वो लैंडिंग के टाइम कैसे लैंड करें। वो ऑल्टीमीटर भी सिमिलर फ्रीक्वेंसी बैंड पे ऑपरेट करता है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इस फ्रीक्वेंसी बैंड में दोनों फ्रीक्वेंसी के सेम फ्रीक्वेंसी बैंड पे होने पे ये इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाता है, तो पायलट पे फॉल्स डेटा भी आ सकता है। तो सेफ्टी के मुद्दे पे बात करें तो ये जानलेवा हो सकता है, इससे काफी सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और यही देखते देखने के लिए काफी सारी यूएस कंपनीज ने जो यूएस के एविएशन इंडस्ट्री है उन्होंने ये करते हैं प्रॉब्लम जारी की है कि हम अपने सारे एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड कर देंगे सेफ्टी के लिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि अगर उन्होंने ये चालू किया और अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो काफी सारे जाने जा सकती हैं। और जाने ही नहीं, अगर ये बैन रहा, अगर सारे एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गए तो ना कि पैसेंजर फ्लाइट्स, कार्गो फ्लाइट्स और जो इम्पोर्टेंट फ्लाइट्स है जिनमें मेडिसिन और वैक्सीन आ रहे हैं वो भी बंद हो सकते हैं। ओके, तो ये है बेसिकली इस पूरे मुद्दे की जड़ में जो बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम है वो ये, जो एयरपोर्ट्स हैं उनके इर्द गिर्द एक जाल है 5G टावर्स का, जिनकी वजह से संभावना या ये क्योंकि आशंका ये है कि अल्टीमीटर जिसको मापा जिसकी जरिए दरअसल ये मापा जाता है कि विमान की ऊंचाई कितनी है, तो वहाँ पर बहुत सारे डेटा गड़बड़ हो सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि अभिनव बता भी रहे हैं कि ऑटोमेटिक लैंडिंग को प्रभावित ये कर सकता है, इसके साथ साथ जो विंड शीयर्स होती हैं, जो खतरनाक रेज होती हैं उनको भी पहचानने में इनसे मदद होती है, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। इसीलिए पूरी दुनिया के पायलट्स ये कह रहे हैं कि 5G हो सकता है कि एविएशन के लिए खतरा हो। अब इसका फिर दायरा कितना है ये समझने की हम कोशिश भी करेंगे। और छारिया साहब, हमें ये बताइए कि ये क्या सिर्फ यूएस का ही प्रॉब्लम है या फिर ये बाकी दूसरे देशों के लिए और खास तौर से भारत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ भी ये इश्यूज आ सकते हैं? देखिए, नई टेक्नोलॉजी आई है 5G, और जहां जहां 5G डिप्लॉय होती जाएगी और एयरपोर्ट्स के आसपास ये प्रॉब्लम तो आएगी, सभी कंट्रीज में आएगी। यूएस में चूंकि 5G का डिप्लॉयमेंट चल रहा है और काफी फास्ट चल रहा है, जिसकी वजह से वहां पे ये प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई है और इसको अब थोड़ी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि इस टेक्नोलॉजी पर भी ओवरकम कर लिया जाएगा। क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री काफी सालों से चल रही है, 5G टेक्नोलॉजी नई नई आई है, तो जो फ्रीक्वेंसी आपस में क्लैश कर रही है तो उसको एडजस्ट किया जाएगा और एक जैसे सेफ वेव छोड़ा जाता है जिससे कि दो फ्रीक्वेंसी आपस में क्लैश ना करें, वो जरूर छोड़ा जाएगा। वो अभी भी है, थोड़ा उसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा एविएशन की सिक्योरिटी को देखते हुए। अदरवाइज हम जो 5G टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको भी एक स्टेप लेना पड़ेगा कि स्पेशली एयरपोर्ट के आसपास वो अपने पावर को रिड्यूस कर दे, साथ में जो एंटेनास जो लगाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में उसको टिल्ट करके डाउन कर दे, तो नो डाउटली थोड़ी सी सर्विस में कॉम्प्रोमाइज होगा, बट इतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा 4G के मुकाबले। तो हमें एविएशन की सिक्योरिटी को नजर में रखते हुए हम 2-3 कदम उठा लें टेलीकॉम इंडस्ट्री द्वारा 5G के डिप्लॉयमेंट के वक्त, तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इन द मीन टाइम में जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है उसमें हम दोनों स्पेक्ट्रम की जो वेव्स हैं उनके बीच में एक सेफ वेव छोड़ देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है,
क्योंकि नया नया चालू हुआ है, नई नई टेक्नोलॉजी है, एविएशन इंडस्ट्री काफी सालों से है, तो थोड़ा सा रैपअप और थोड़ा सा आपस में सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभिनव, जो वहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, वेरिजॉन और AT&T जिनका जिक्र आपने भी किया है, वो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मानिए कि भाई चलो हम टेम्परेरीली डिफर कर देंगे टर्निंग ऑन करना वायरलेस जो टावर्स हैं जो की एयरपोर्ट्स हैं उनके आसपास, जैसा कि आपने भी कहा और जैसा कि छारिया साहब ने भी कहा कि थोड़ी सी छोटी छोटी तब्दीलियाँ करके इस मुश्किल से पार पाया जा सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म रेमेडीज़ कही जा रही हैं। लॉन्ग टर्म में हमें क्या टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बदलाव करना पड़ेगा या हमें 5G के लॉन्चिंग पर बहुत गहन विचार करके एक बार फिर से इसको समझना पड़ेगा तब जाके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, या इसके लॉन्ग टर्म परमानेंट सॉल्यूशंस भी आसान हैं? जहाँ तक छानिया साहब ने एक्सप्लेन किया है, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। जो हम सिग्नल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, US में जो 5G का सिग्नल स्ट्रेंथ है वो AT&T और Verizon जैसी कंपनियों पोस्ट करती है कि उनका जो बाकी देश है उनसे डबल स्ट्रेंथ है उनकी। तो अगर उनका जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस कर दिया जाए जो भी एयरपोर्ट्स के प्रॉक्सिमिटी में जो भी आते हैं, और जैसे खारे साहब ने बताया है कि उनका जो एंटीना है वो डाउनवर्ड फेसिंग कर दे, वो नीचे की तरफ फेस कर दे, तो भी ये हल हो सकता है शॉर्ट टर्म का। लेकिन एज टाइम प्रोग्रेसिव, जैसे आप आगे जाते रहते हैं, इसका डेफिनेटली एक सोल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में हम बदलाव कर सकते हैं। और कि कोई ना कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जरूर निकल सकता है इससे। बिल्कुल, चलिए इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे और इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रेमेडीज हैं, उसके साथ साथ 5G को लेकर दूसरे जो भ्रम हैं हम उन पर भी बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा।
स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं, क्या वाकई में 5G टेक्नोलॉजी एविएशन की उड़ान पर रोक लगा रही है? अमेरिका में जिस तरह के मामले सामने आए और वहां पर फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, क्या ठीक उसी तरह से दुनिया के बाकी हिस्सों और खास तौर से भारत में भी यही स्थिति आएगी? इस पर हम कर रहे हैं विस्तार से चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, बहुत सारे देशों में ऑलरेडी 5G रोल आउट भी है और वहां पर इस तरह के टावर्स भी इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन वहां पर ये इशू नहीं आए हैं। मसलन मैं पढ़ रहा था, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA का कहना है कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा कोई इशू आया नहीं है, हम तो 2019 से हमने मिड रेंज 5G फ्रीक्वेंसीज के स्टैंडर्ड्स भी सेट कर रखे हैं। फिर मैं पढ़ रहा था साउथ कोरिया का भी बयान आया है, वहां पर 5G मोबाइल कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी वहां पर भी सेट है 3.42 से 3.7, जो मिड रेंज शायद फ्रीक्वेंसी से कहते हैं। तो वहां पर ये सारी हैं, कुल मिला के शायद वायरलेस जो कैरियर्स हैं 40 देशों में यूरोप और एशिया के, वहां सी बैंड पर 5G का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वहां पर क्यों नहीं आ रही है प्रॉब्लम और US में क्यों आई है? असल में जो जैसा अभिनव ने भी बोला कि AT&T और Verizon जो है उनका जो पावर ट्रांसमिशन है वो और देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। उसका मेन कारण क्या है कि उन लोग की जो डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा है और इतने ज्यादा यूजर्स हैं कि वो जितनी पावर ज्यादा छोड़ेंगे उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी सबको अच्छी मिलेगी। तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर और इसकी पावर के ऊपर, तभी ये इंटरफेरेंस को रोकेगा। अदरवाइज मैंने जैसा पहले भी आपको बताया कि दो फ्रीक्वेंसी के बीच में एक सेफ वेव होती है जो कि दो फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करती है, तो जिससे कि एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी को कहीं पर भी ओवरलैप ना करे और कहीं पर भी आपस में इंटरफेरेंस ना करे। तो अगर हम उसको प्रॉपरली ऑनेस्टली अडॉप्ट करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम US में अभी आई है ये प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं आएगी। इवन कि US में भी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसमें टेलीकॉम कंपनियों को भी देखना पड़ेगा और एविएशन इंडस्ट्री को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री काफी पुरानी है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज करने के लिए सोचते हैं या सोचना चाहिए, बट टेलीकॉम का नया नया आया है तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो ये एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं कि इन टाइप की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं इससे कोई हमारी टेक्नोलॉजी डिरेल या कोई इंडस्ट्री बंद नहीं होगी। यानी कि छारिया साहब, एक और मैं दिलचस्प चीज पढ़ रहा था, जो फ्रांस का जो पावर लेवल है 5G का वो बहुत ज्यादा कम है जो यूनाइटेड स्टेट्स में ऑथोराइज्ड है। मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्टेट्स में 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज का है अल्टीमेटर्स के लिए, और फ्रांस में है 3.6 टू 3.8 गीगाहर्ट्ज का। यानी कि जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा सा पावर कम करनी पड़ेगी, स्पेक्ट्रम जो यूज होगा उसको हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं, तो इससे कोई स्पीड पे फर्क पड़ता है सर क्या? ऐसा तो नहीं है कि अगर आप हायर स्पेक्ट्रम पे ले जाएंगे तो बहुत अच्छी स्पीड आएगी, नीचे के लेवल पे ले गए तो कम स्पीड आएगी, उससे स्पीड में फर्क पड़ता है? ऐसी बात नहीं है, वो उसमें आपको अवेलेबिलिटी पे आ जाएगा। अब आप जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, यहाँ पे हमारी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जो US में और यूरोप में इंडिया के मुकाबले डेंसिटी बहुत, पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम है। तो जो अगर आप देखेंगे कि जो हमें प्रॉब्लम आ रही है 4G में और 3G में, वो उन एरिया में आ रही है जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, परंतु जहां पे डेंसिटी नहीं है ज्यादा वहां पे आपका 4G भी बहुत अच्छा चलता है, 3G भी बहुत अच्छा चलता है। तो टेलीकॉम कंपनियों को यहाँ पे आके 5G और 4G का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि जिस एरिया में उन्हें लगे कि हमारी डेंसिटी या यूजर्स ज्यादा हैं वहां पे वो 5G को इस तरीके से डिप्लॉय करें जिससे कि आपके एविएशन पे कोई इसका इम्पैक्ट ना आए। क्योंकि जब हम कोई भी चीज अपनी डिप्लॉय करते हैं तो हम साथ में ये भी देखते हैं कि हमारे से किसी दूसरे को इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। जो हमारा वायरलेस स्पेक्ट्रम एलोकेशन की जो बॉडी है वो भी इस चीज का ख्याल रखती है, और उन्होंने हमेशा दो स्पेक्ट्रम के बीच में एक सेफ वेव बना के रखते हैं और साथ में पीरियोडिकली चेक भी करते हैं कि कोई आदमी गलत फ्रीक्वेंसी यूज करके आपस में इंटरफेरेंस तो नहीं कर रहा।
बिल्कुल, तो इंटरफेरेंस को रोकने के लिए, खास तौर से अनसेफ इंटरफेरेंस को रोकने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, उस पर काम भी हो रहा है। अभिनव, अब मैं फटाफट से आपसे ये समझना चाहूंगा, जो बाकी के जो 5G की ये वाली चर्चा तो हमारी बड़ी टेक्निकल भी हो गई, थोड़ा सा मैंने भी कुछ नया ज्ञान लिया है, नई चीज़ें समझी, आई एम श्योर दर्शक भी समझे होंगे, लेकिन जो बाकी कहा जाता है उसमें बहुत सारे मिथ भी होंगे कि साहब कैंसर का खतरा, 5G से रेडिएशन निकलेगा, पर्यावरण को खतरा होगा, कई लोग तो कोर्ट भी गए, जानवरों पर खतरा होगा, इंसानों पर खतरा होगा, क्या वाकई में ये खतरा कहीं एग्जिस्ट करता है 5G को लेकर? सर, जहां तक हम आते हैं खतरे की बात करने के लिए, ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया है या मेडिकली प्रूवन नहीं है कि 5G से कुछ खतरा है। डेफिनेटली ये स्टडी किया गया, जो आप DNA की बात भी कर रहे थे कि 5G के रेडिएशन से या मोबाइल के रेडिएशन से हमारे DNA में बदलाव हो जाता है, वो एक्सपेरिमेंट किया गया था 2009 में, और वो किया गया था चूहों पे, ना कि इंसानों पे। तो ये सब मेरे को लगता है मिथ है कि जनता जानती नहीं है कि टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस हो रहा है, और इसके अराउंड काफी सारे मिथ बिल्ड किए गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो क्योंकि अनभिज्ञता ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है उसके बारे में, तो यही अनभिज्ञता जो है कई भ्रांतियों को जन्म देती है, और जैसे जैसे समय आगे होता है तो वैसे ही वो भ्रांतियों को दूर करने का काम भी विशेषज्ञ करते हैं। आई एम श्योर कि 5G को लेकर जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, ये जो भ्रांतियां हैं ये दूर होंगी, और 5G हम सब लोगों के जीवन में एक हकीकत बन के आए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो, देश तरक्की करे, डेवलपमेंट हो, हर किसी के जीवन शैली में बदलाव आए, बेहतरी हो, इसी की हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा क्लिष्ट सा ही सब्जेक्ट था, लेकिन आसान भाषा में आप दोनों ने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच राजेश आर्या, वक्त निकाला आपने, थैंक यू सो मच अभिनव वर्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दें, देखते रहें Zee Business, नमस्कार।